बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने धारा मापी या गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया था। आज मैं क्या कर रहा हूं, अमीटर के बारे में बताता हूं। देखिए, अमीटर वह है युक्ति है इसके द्वारा परिपथ में धारा को मापा जाता। ध्यान रखिए, धारा मापी का उपयोग है, अमीटर का उपयोग धारा को नापने में किया जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार लगा या जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया अमीटर वह युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ में धारा को मापा जाता है। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है, इसे शंट कहते हैं। देखिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास धारा मापी, ये धारा मापी, ठीक। धारा मापी को मीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट बोल देते हैं। में धारा आई यहां पर आती है, धारा का एक पार्ट आई जी यहां चला जाता है। आई जी वो धारा है जो धारा मापी से जाती है, और बाकी बची हुई धारा आई माइनस आई जी यहां पर आती है, और लास्ट में ये यहां से मिलती है, यहां मिलती है, तो धारा आई चली जाती। तो इस प्रकार हम एक धारा मापी को अमीटर में बदल लेते हैं, ठीक। धारा मापी को हमने काय में बदल दिया है, अमीटर में बदल दिया है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो आपके पास प्रतिरोध होता है इसको शंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। ध्यान रखिएगा, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए चित्रानुसार अल्प प्रतिरोध S लगा या है जो समांतर
ध्यान रखिएगा, धारा मापी को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने समांतर कम में एक अल प्रतिरोध लगा दिया है। यहाँ पर मैं इसका कैलकुलेशन कर दूँ, यहीं पे मैं कर देता हूँ। देखिए दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस के मान के बराबर हो गया। जी बराबर धारा मापी का प्रतिरोध। मैं यहाँ पर S की वैल्यू निकाल लूँ कि कितना S निकाल देते हैं, तो S बराबर हो जाता है आई जी अपॉन आई देखिए, तो अल प्रतिरोध निकाला जाता है क्योंकि ये और ये दोनों कैसे समांतर क्रम में, इसलिए आई जी इंटू जी, जी क्या हो गया धारा मापी का प्रतिरोध, आई माइनस आई जी इंटू एस, तो एस बराबर हो गया आई जी अपॉन आई माइनस आई जी के मान के बराबर होता है, तो ये अल प्रतिरोध यहाँ पर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अमीटर को परिपथ में देव श्रेणी क्रम में क्रम में जोड़ा जाता, तो अमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है एवं एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता, तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। देखिए हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं वोल्ट मीटर, ध्यान रखिएगा ये अमीटर वोल्ट मीटर के थ्रू अभी आपको प्रैक्टिकल भी यहाँ पर करना है, इसलिए इनको ध्यान से रखिए। क्या है वह है युक्ति है इसके द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं विभवांतर ज्ञात किया जाता। तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर वह युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए के ये उसके श्रेणी क्रम में उच्च गति
रखिए, अगर आपको धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का एक तार लगा देते हैं। ऐसा धारा ये आ रही है और ये है, तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्ट मीटर में। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच का विभवांतर मी मानूं तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? I करंट आ रहा है, प्रतिरोध G प्लस R के मान के बराबर हो गया। तो देखिए R बराबर कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे आएगा, V अपॉन I माइनस G के मान के बराबर होता है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बोल देता हूँ। ठीक, ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा कैसा होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता। ध्यान रखना बच्चों, अमीटर और वोल्ट मीटर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लें। ओके।